आदरणीय सभापति जी, इस सदन में अंग्रेजों को याद किया गया। अब राजा महाराजाओं का तो अंग्रेजों के साथ गहरा नाता रहा था उस समय, तो अब मैं जरा पूछना चाहता हूं कि अंग्रेजों से कौन इंस्पायर्ड था। मैं तो ये तो नहीं पूछूंगा कि कांग्रेस पार्टी को जन्म किसने दिया था, ये तो मैं नहीं पूछूंगा। आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता को किसने बढ़ावा दिया? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों की बनाई दंड संहिता पिनल कोड आपने क्यों नहीं बदली? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंग्रेजों के जमाने के सैकड़ों कानून क्यों चलते रहे? आप अगर अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो लाल बत्ती कल्चर, ये लाल बत्ती कल्चर इतने दशकों बाद भी क्यों चलता है? अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो भारत का बजट शाम को 5 बजे इसलिए आता था क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सुबह शुरू होने का समय होता था, ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समय के अनुकूल शाम 5 बजे बजट की परंपरा क्यों चलाए रखी थी आपने? कौन अंग्रेजों से इंस्पायर था? अपर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो हमारी सेनाओं के चिन्हों पर आज भी गुलामी के प्रतीक अब तक क्यों बने हुए थे? हम एक के बाद एक हटा रहे हैं। अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो राजपथ को कर्तव्य पथ बनने के लिए मोदी का इंतजार क्यों करना पड़ा? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो अंडमान और निकोबार इन द्वीप समूहों पर आज भी अंग्रेजी सत्ता के निशान क्यों लटके पड़े थे? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रभावित नहीं थे तो इस देश के सेना के जवान देश के लिए मन मिटते रहे, लेकिन देश के जवानों के सम्मान में एक वॉर मेमोरियल तक आप बना नहीं पाए थे, क्यों नहीं बनाया? अगर आप अंग्रेजों से इंस्पायर्ड नहीं थे, प्रभावित नहीं थे, तो भारतीय भाषाओं को हीन भावना से क्यों देखा? स्थानीय भाषा में पढ़ाई के प्रति आप लोगों की बेरुखी क्यों थी? आदरणीय सभापति जी, अगर आप अंग्रेजों से प्रेरित नहीं थे तो भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी बताने में आपको कौन रोकता था? आपको क्यों महसूस नहीं हुआ कि दुनिया में, आदरणीय सभापति जी, मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूं कि आप किस प्रभाव में काम करते थे और देश को सुनते, ये सारी बातें याद आने वाली।